हाथों में लठ लिए महिलाएं और ढाल से बचाव करते पुरुष, भजनों के स्वर लहरियों से गूंजता माहौल, नृत्य हो गीत और संगीत की प्रस्तुतियों के बीच पुष्प से गोविंद संग होली खेलते कलाकारों की टोली और भजनों से मंत्रमुग्ध होते श्रद्धालु। शहर आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में परंपरागत फागोत्सव के समापन के तहत ऐसा ही नजारा देखने को मिला। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र 60 कलाकारों की ओर से फूलों की होली खेली गई। छोटी काशी में भी बरसाने की होली खेली गई। उस तर्ज पर श्रद्धालु होली के रंग में सराबोर दिखाई दे रहे हैं तो कई होली के गीतों पर झूमते भी दिखाई दे रहे हैं। मंदिरों से लेकर के बाजारों तक और घरों में सभी जगहों पर गुलाल और अबीर ही अबीर दिखाई दे रहा है। बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई जब गोविंद देव जी के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। जहां तक नजरें जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को देख सकते हैं आप। रंगों में सराबोर लाल पीले हरे नीले चेहरे नजर आए, फिजाओं में गुलाल का वो रंग और गोविंद देव जी के साथ यहां पर लोगों ने आज होली खेली है। ये थाल सजाकर रखा गया, फूलों की होली खेली गई, गुलाल की होली खेली गई, साजो श्रृंगार किया गया गोविंद देव जी का। पट खुलते ही लोगों में वो खुशी, वो एक झलक पाने की ललक आंखों में दिखाई दे रही थी। उमा भारती भी यहां पर मौजूद। उस दो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, दोनों तस्वीर देखिए, हर तरफ फिजाओं में सिर्फ और सिर्फ गुलाल के रंग छलकते नजर आएंगे आपको। भक्तों में पुष्पों की होली खेली गई गोविंद देव मंदिर में। बरसाने की होली के बाद अगर कहीं की होली प्रसिद्ध है और बेहद लोगों को आकर्षित अगर करती है तो वो है गोविंद देव जी की होली, जहां पर बरसाने की होली के तर्ज पर ही होली मनाई जाती है। फूलों की होली खेली जाती है, लठमार होली खेली जाती है, गुलाल से होली खेली जाती है। और वही तस्वीर हम आपको दो दिखाते हुए, गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण की एक तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर भी उसी प्रांगण की है जहां पर लोग एकत्रित हुए हैं। आधी रात से ही लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए दर्शन के लिए कतारों में खड़े हैं और कल से ही इस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा था। फूलों की होली खेली गई, 60 से ज्यादा कलाकारों ने प्रस्तुतियां पेश की हैं अपनी, रंग बिरंगी तस्वीरें सामने आ रही हैं देश के कोने कोने से। फिलहाल जो तस्वीर है वो गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर श्रृंगार किया गया, पट खोला गया गोविंद देव जी का, लोगों ने दर्शन किए, सुख शांति की कामना की गई और होली लोग खेलते नजर आए। गोविंद देव जी मंदिर में होली के रंग बिखरे हुए हैं, उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। भक्त होली की मस्ती में सराबोर नजर आ रहे हैं। जयपुर में गोविंद देव दरबार की एक तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर भक्त होली के रंग बिरंगे नजर आए, सराबोर नजर आए, गोविंद देव जी के साथ भक्त होली खेलने के लिए कितने उत्सुक और इच्छुक वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर मौजूद, उमा भारती यहाँ पर मौजूद, और हालांकि प्रोटोकॉल है लेकिन इसके बावजूद भी मौका जब त्यौहार का हो, खास करके होली जैसे त्यौहार का हो, तो होली का रंग लोगों के सिर चढ़कर बोलता है और आध्यात्म नगरी की बात करें तो गोविंद देव जी की नगरी भी उसमें शुमार है। जयपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां आज गोविंद देव जी के साथ होली खेली श्रद्धालुओं ने, भक्तों ने। सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि 2 से 3 दिन ये वो ऐसे दिन होते हैं जहां लोगों का मेला लगा रहता है, लोग खड़े रहते हैं घंटों कतार में ठाकुर जी को निहारते हुए, होली खेलते हुए उनके साथ, फिजाओं में रंग गुलाल उछालते हुए बिखेरते हुए। और इतनी संख्या लोगों की, शांति बनाए रखते हैं लोग, धैर्य रखते हैं लोग और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं बधाई देते हुए ठाकुर जी को जब गुलाल अर्पित किया गया, चढ़ाया गया, उसकी तस्वीर दीपक
लगातार सुबह से खास तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, जी राजस्थान के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जुड़ चुके हैं उनका रुख कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। दीपक, इस वक्त क्या कुछ मंदिर प्रांगण में और चल रहा है? इससे पहले दिखाया आपने किस तरीके से ठाकुर देव को भोग लगाया गया और फूलों की होली खेली गई, गुलाल उन्हें लगाया गया, लोगों ने भी जम करके रंग और अबीर उड़ाए। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा है प्रिया, जिस तरीके से आज होली है छोटी काशी में खेली जा रही है और आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में जो भक्त है वो होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आम से लेकर खास वो तस्वीर हम दिखाने चाहेंगे कि ये देखिए गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण की तस्वीर है जहाँ पर जो भक्त है वो होली खेलते हुए ठाकुर जी से नजर आ रहे हैं। रंग अभी गुलाल उड़ाई जा रही है, यहाँ पर देशी विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर पहुंचे हैं होली खेलने के लिए, भक्त यहाँ पर खेल रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि ये गोविंद देव जी मंदिर की तस्वीरें हैं, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी यहाँ पर गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण में पहुंची थी होली खेलने के लिए। तस्वीरें इतनी बेहद खास इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो होली खेली जाती है वो गुलाल से खेली जाती है और गुलाल से होली का एक संदेश दिया जाता है और जब भक्त यहाँ पर ठाकुर जी के साथ होली खेलते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। फिर एक बार हम अंदर ले जाने की आपको तस्वीरें फिर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से होली के अंदर जो भक्त है वो किस तरह से शराब और है, देशी विदेशी पर्यटक है यहाँ पर पहुंचे हैं, होली खेल रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण की तस्वीरें हैं जहाँ पर जो मंदिर में जो भक्त है वो होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। फिर एक बार तस्वीरें वो दिखाने की यहाँ कोशिश करते हैं किस तरह से लड्डू गोपाल यहाँ पर पहुंचे हैं, लड्डू गोपाल को लेकर पहुंचे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम कि भगवान ठाकुर जी के साथ भक्त होली खेलते हुए। ये देखिए तस्वीरें जब बेहद अहम तस्वीरें हैं, उमा भारती भी यहाँ पर पहुंची हैं, पूजा अर्चना उन्होंने की है और वो उनसे बातचीत करने की भी हम कोशिश करेंगे। वो तस्वीरें फिर एक बार देखिए, देशी विदेशी पर्यटक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं होली खेलने के लिए। सराबोर है यहाँ की छोटी काशी है, आंगन है गोविंद देव जी मंदिर का वो, और आप तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर भक्त है ठाकुर जी के साथ होली खेल रहे हैं और कह सकते हैं कि आज जो पूरी छोटी काशी है वो रंगों से सराबोर है और उमा भारती से बातचीत करने की कोशिश हम करते हैं। उमा भारती हमारे साथ, उमा भारती से हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैम होली की आपको शुभकामनाएं, आप सबको भी, देशवासियों को भी, सब खुशियों के रंग में सराबोर रहे। बिल्कुल, आप किस तरह से लोकसभा चुनाव है किस तरह से देखती है? यहाँ कहाँ चुनाव, हिंदुत्व से पार्टी चुनाव लड़ेगी फिर एक बार? अरे यहाँ भक्ति का रंग है बाबा, बाकी चीज़ें आप हर बार गोविंद देव जी मंदिर में आती हैं, बड़ी हमेशा आती हूँ, आगे भी आती रहूंगी, आती रहेंगी। क्या मध्य प्रदेश की जनता आपको सीएम के आती रहूंगी? नहीं नहीं, ये सब बातें मुझे कुछ नहीं, अभी मुझे गोविंद जी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। पूजा अर्चना की आज? चलो भगवो तुम, अब तुम भगवो। देखिए ये उमा भारती थी जो बता रही थी कि गोविंद की पूजा अर्चना करने के लिए वो यहाँ पर आती है और जब भी आती है, जब वो पूजा अर्चना करती है, लेकिन वो अभी भी किसी भी राजनीतिक जो बयान देने से बच रही है क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। लेकिन फिर एक बार तस्वीरें हम गोविंद देव जी मंदिर की दिखाते हैं कि किस तरह से गोविंद देव जी मंदिर के अंदर जो प्रांगण है वो किस तरह से रंगों से सराबोर है और यही तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश करते हैं क्योंकि हर कोई आम से लेकर खास ये तस्वीर देखना चाहता है कि किस तरह से आज गोविंद देव जी मंदिर में रंग गुलाल उड़ाई जा रही है। रंग गुलाल इसलिए उड़ाई जा रही है क्योंकि हर आम से लेकर खास यहाँ पर रंगों की होली खेलने को आतुर है। ठाकुर जी के साथ होली खेली जरूर जा रही है और ठाकुर जी के साथ होली इसलिए खेली जा रही है क्योंकि ठाकुर लाइव ठाकुर जी के साथ होली खेलते हुए भक्त नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें छोटी काशी को आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर की छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े यहाँ पर होली खेल रहे हैं, विदेशी पर्यटक हैं। इस तरह से होली खेली ठाकुर जी के साथ, मजा आया क्या? कितना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आप बताइए, आपने होली खेली भगवान के साथ? हाँ। किया तो घर पे किस तरह खेलोगे? हेलो, बहुत शानदार होली है, मजा आ गया। ठाकुर जी के साथ होली खेली आपने? ठाकुर जी के साथ मजा आया, बहुत मजा आया। देखिए यही सब कुछ तस्वीरें कहती है, देखिए वो तस्वीर आप दिखाते हैं कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी है वो होली खेलते हुए भक्तों से नजर आ रहे हैं। पिचकारी छोड़ी जा रही है और आम से लेकर खास भक्त यहाँ पर के लिए और भक्त शराब हो है। हम फिर एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, वो नजारा जो कि हर कोई देखना चाहता है, हर कोई ठाकुर जी के साथ।
होली खेलना ज्यादा चाहता है, कहती है कि आज होली के रंग में सब कुछ डूबे हुए हैं, होली के रंग में नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें अहम खास रंगों में नजर आती है, रंगों में रंगी में है। और फिर एक बार कैमरा पर्सन बिल्कुल दीपक वापस रुक करेंगे आपका, बेहद खूबसूरत तस्वीर अभी हमारे सहयोगी दीपक यहां से दिखा रहे थे। गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण में मौजूद, और क्या देसी क्या विदेशी, सब एक साथ एक ही रंग में रंगे नजर आए, हर किसी के चेहरे सतरंगे नजर आए, और गुलाल अबीर उड़ाते लोग गोविंद देव जी के साथ, पिचकारी में रंग भरकर उन पे उड़ेलते हुए लोग नजर आए, और बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। और आज जो ये तस्वीरें दीपक लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं, कोशिश है, एक उत्साह है, खून मची है भगवान श्री कृष्ण के साथ होली खेलने की। आप देखिए तस्वीरें खास हो जाती है प्रिया, जब ठाकुर जी के साथ जब भक्त होली खेलते हैं और जब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, राधे राधे के जयकारों से आज छोटी काशी गुंजायमान है। और यही कहते हैं ठाकुर के साथ होली खेलते हैं तो प्रसन्न होता है। फिर एक बार ठाकुर जी की हम दर्शन कराना चाहेंगे भक्तों के, ये ठाकुर जी देखिए किस तरह से होली खेलते हुए भक्त, और जो भक्त हैं जिस बेसब्री से इंतजार था भक्तों को कि वो ठाकुर जी के साथ होली खेलेंगे, वो गया और भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी राधा रानी के साथ होली खेलते हुए भक्त इन मंदिर में, इस मंदिर प्रांगण में नजर आ रहे हैं। ये देखिए मस्ती में डूबे हुए हैं, रंगे हुए हैं, हर कोई सेल्फी ले रहे हैं, ठाकुर जी का अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, राधे राधे के जयकारों से गुंजायमान है। छोटी ठाकुर जी के साथ होली खेल के कितना मजा आया, बहुत मजा आया देखिए, बहुत मजा आया। और जब ठाकुर जी के साथ होली खेलने की बात होती है तो देखिए बच्चे से लेकर बुजुर्ग आम से लेकर खास बन जाता है ठाकुर जी का सेवक, और बहुत सेवक आज होली खेल रहा है। इस दिन का इंतजार रहता है, हर एक साल में एक दिन आता है और ठाकुर जी के साथ होली खेलता है, और ये दिन बड़ा खास होता है। आधे घंटे की होली कई कुछ संदेश दे जाती है, आपसी प्यार बढ़ाती है, सौहार्द बढ़ाती है, गीले शिकवे हैं वो दूर करती है। मस्ती में डूबे हुए हैं भक्त मंदिर प्रांगण के अंदर, वो तस्वीर फिर बताते हैं कि मंदिर प्रांगण के अंदर जो भक्त हैं वो दर्शन तो कर ही रहे हैं, भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की ठाकुर जी का जब जो पूजा अर्चना करता है ध्यान लगाता है, क्योंकि मंगला झांकी से ही भक्तों का यहाँ पर सैलाब देखने को मिल रहा है। तो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग जिस तरह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ठाकुर जी के साथ होली खेली है, कितना मजा आया। दोस्तों के साथ भी खेलोगे कब? कल। कितने रंगों से या गुलाल से? गुलाल से। आप गुलाल से खेलोगे रंगों से पक्के रंग से? एक मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश बच्चों की, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पक्के कलर से होली खेलेंगे, कुछ ऐसे भी हैं जो कि गुलाल से होली खेलेंगे, लेकिन ये गुलाल की होली बड़ी अहम होती है, और अहम इसलिए होती है कि लोग इस मस्ती में डूबे हुए होते हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना में डूबे हुए होते हैं, और यही तस्वीर हर कोई कैद करना चाहता है अपने मोबाइल में, अपने कैमरों के अंदर, और होड़ सी मच जाती है जब राजभोग झांकी के दर्शन होते हैं, और राजभोग झांकी के दर्शन के बाद फिर एक बार वो तस्वीरें बेहद आकर्षक एक अद्भुत तस्वीरें हो जाती है। विदेशी पर्यटक देखिए किस तरह से मंदिर प्रांगण के अंदर भक्ति में लीन है, और उन्हें इस चीज का, क्योंकि देसी जयपुर की होली एक खास होली मानी जाती है, और इस खास होली के अंदर हर कोई रंगना चाहता है, और इस रंग में विदेशी पर्यटक भी अछूते नहीं है इस रंग में रंगने के लिए। जयपुर के अंदर होली कहीं भी मनाई जाती हो, सिटी पैलेस से लेकर कहीं भी मनाई जाती हो, लेकिन इस रंग में रंगने के लिए विदेश से, और जो बाहर जयपुर से लोग रहते हैं, राजस्थानी प्रवासी लोग रहते हैं, वो भी अपने अपने घरों में पहुंचते हैं। हालांकि इस बार 5 दिन का अवकाश है, और 5 दिन के अवकाश में हर कोई अपने घर में आना चाहता है,
होली अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। रात 8:59 पर जब भद्रा खत्म होगी उसके बाद होली का दहन होगा, लोग होली का दहन करेंगे। सिटी पैलेस में होली का दहन का आयोजन किया जाता है और फिर शहर में होली का दहन होता है। और होली का दहन के बाद बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, गीले शिकवे दूर किए जाते हैं। और कल रंगों का त्यौहार है तो कल सुबह से ही सड़कों के ऊपर टोलियां नजर आएगी और वो टोलियां होंगी रंगों की। बिल्कुल दीपक, और लोगों से अनुभव साझा करते करते आज के कुछ खास अनुभव आपके भी हो गए होंगे, रंगों में सराबोर नजर आए आप भी, और बेहद खूबसूरत तस्वीर आपने हमारे दर्शकों को दिखाया पहुंचाया है। गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण में कुछ इस तरीके से खेली जाती है।